सभी को नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट कौशी। आज मैं आप सभी का परिचय हमारी नई रेडियो सीरीज दैनिक जीवन में विज्ञान के प्रमुख पात्र से करवाना चाहती हूं। उसका नाम है सुधा। वो 10 साल की एक चुलबुली, बातूनी और साहसी लड़की है। अभी वो पढ़ती 6ठी कक्षा में है, पर जहां भी वो होती है वहां उसके साथ होते हैं उसके ढेरों सवाल, जिनके जवाब वो ढूंढती है अपने आसपास के लोगों, परिवार और दोस्तों से। सुधा जहां भी होती है वहां का माहौल ही कुछ और होता है। एक बात और जो सबसे जरूरी है सुधा के बारे में, वो ये कि उसको हमेशा कुछ नया जानने की जिज्ञासा रहती है। उसका दिलो दिमाग लगातार काम करता रहता है। मैं सुधा के पात्र को कुछ ऐसा भी बांध सकती हूँ, उसके कदमों से है उसकी पहचान, भरने दो उसको उड़ान। तो आइए इस रेडियो सीरीज में मिलते हैं सुधा से। स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे प्रस्तुत करता है रेडियो ड्रामा सीरीज दैनिक जीवन में विज्ञान, आपके अपने सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर। जी हाँ, रेडियो कनेक्ट जो जनता से जुड़े डायरेक्ट, वही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। सुधा सुधा आ जाओ, खाना ले जाओ। हाँ माँ, आई। अरे माँ, आज आपने मेरी चपाती के साथ ही क्या परोसा है? इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है ये सफेद धागा जो साबुत हरी मूंग दाल से निकल रहा है? जब हमने दाल दुकान से खरीदी तब तो ये ऐसी नहीं थी। सुधा सुधा, ये अंकुरित सलाद है, यानी स्प्राउट वाला सलाद। मैंने कल टीवी पर अंकुरित सलाद बनाने की रेसिपी देखी थी और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इसको घर पर बनाऊंगी। ओ ठीक है माँ, वैसे ये नई बात नहीं है, आप तो अक्सर ऐसा करते रहते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि ये हरी मूंग की दाल में से सफेद धागे क्या है? आपने तो इसे उबाला भी नहीं है, इसका स्वाद भी कच्चा है और ये खाने में भी सख्त नहीं होता, तो आपने ये सब कैसे किया? तो सुनो सुधा, कल रात मैंने साबुत हरी मूंग की दाल को पानी में भिगो दिया था और सुबह मैंने इसके पानी को छानकर अलग कर दिया और दाल को गीले कपड़े में बांध दिया और फिर शाम को जब गांठ खोली तो सफेद धागे आ चुके थे। अरे वाह, लेकिन माँ फिर आपने इसको स्वादिष्ट कैसे बनाया? तो सुनो ध्यान से, इसको स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाने के लिए मैंने इसमें बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, कद्दूकस की हुई गाजर, हरी मिर्च मिलाई और आखिर में मैंने आधा चम्मच नींबू का रस निचोड़ा और फिर थोड़ा सा नमक मिला दिया। इसी तरह मैंने बना दिया अंकुरित सलाद। ओ बहुत बढ़िया माँ, लेकिन जब साबुत हरी मूंग दाल को आपने पानी में भिगोया और उसको आपने गीले कपड़े में बांधकर कुछ समय के लिए रखा, तो उसमें ऐसा क्या हुआ कि सफेद धागे निकलने लगे? सुधा सुधा, बच्चे तुम्हारे सवाल तो खत्म ही नहीं होते हैं। बताओ ना माँ, बताओ ना। सुधा ये सब अभी मुझे नहीं पता, अभी खाना खाओ। ये सब सवाल कल अपनी साइंस टीचर से स्कूल में जाकर पूछना, अभी खाने में ध्यान लगाओ। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, मैं सोने जा रही हूँ। इसके बारे में कल सुबह स्कूल में राधा मैम से पूछती हूँ, वही बताएंगी मुझे। गुड नाइट माँ। गुड नाइट सुधा। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सुधा, आज अचानक तुम यहाँ स्टाफ रूम में कैसे? ब्रेक टाइम चल रहा है ना तुम्हारा, तो तुम्हें तो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होना चाहिए। मैडम मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने। कल रात मेरी माँ ने साबुत हरी मूंग दाल का अंकुरित सलाद बनाया था, खाने में तो बहुत स्वाद था। माँ ने साबुत हरी मूंग दाल को बाजार से खरीदा और उसको रात भर पानी में भिगो दिया, अगले दिन सुबह उसमें से पानी निकाल दिया और उसको गीले कपड़े में बांध दिया। फिर 12 घंटे बाद एक एक दाल के दाने से सफेद धागा निकल चुका था। हरी मूंग की दाल के अंदर से ये क्या हुआ जो सफेद धागे निकलने लगे? मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। सुधा क्या यही बात तुम्हें परेशान कर रही है? हाँ मैम। तो सुनो, जो साबुत हरी मूंग दाल तुम्हारी माँ ने बाजार से खरीदी थी वह बीज के अलावा और कुछ नहीं था। जब तुम्हारी माँ ने इसे पानी में भिगोया तो बाहरी परत नर्म हो गई
और अंकुरण के लिए तैयार हो गई। बीज के अंदर हमेशा एक विकासशील पौधा होता है। जब तुम्हारी माँ ने भीगी हुई हरी मूंग दाल को गीले कपड़े में डालकर बांध दिया तो बीज को पानी में सोखने और बीज के छिलके को तोड़ने और जड़ के रूप में बाहर आने के लिए उपयुक्त समय मिला। वाह! और तुमने जो सफेद धागे देखे ना, वह और कुछ नहीं बल्कि जड़ था। क्यों नहीं तुम भी साबुत हरी मूंग दाल को किसी मिट्टी के बर्तन में गाड़कर उस पर थोड़ा पानी छिड़क दो, कुछ ही दिनों में तुम दाल में अंकुरण देखोगी। ये तो बहुत बढ़िया है मैम, मैं आज ही घर जाके ऐसा करूँगी। लेकिन क्या इस प्रक्रिया का कोई नाम भी है? हाँ बिल्कुल, इस प्रक्रिया को अंकुरण कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में जर्मिनेशन भी कहते हैं। अच्छा, अब आई बात समझ में। थैंक यू मैम। यूर ऑलवेज वेलकम सुधा। दैनिक जीवन में विज्ञान, यह स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे द्वारा सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर प्रस्तुत किया गया। जनता से जुड़े डायरेक्ट, यही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। तो सुनना न भूलें। आज के कार्यक्रम में सुधा ने तो बहुत कुछ सीखा, उम्मीद है आपने भी कुछ नया सीखा होगा। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, आज रात अपने घर में थोड़ी सी हरी मूंग दाल को भिगो कर रख दे। अगले दिन इस हरी मूंग दाल को 6 से 8 घंटों तक एक गीले कपड़े में बांध कर रख दें। उसके बाद जब आप गीला कपड़ा खोलेंगे तो आपको दाल में से सफेद धागा यानी अंकुरण निकलते हुए नजर आएंगे। आप इस अंकुरण की एक प्यारी सी तस्वीर खींचकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 9813164542 यानी 9813164542। तो फिर मिलेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान के अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद।